उत्तर प्रदेश में 22 मार्च से 29 मार्च तक महिला सशक्तिकरण का संदेश और महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में सैकड़ों महिला पुलिसकर्मी और आला अधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम में सांसद सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। इस रैली में महिला पुलिसकर्मी वाहन से अलग अलग जनपदों से निकल रही है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी जाने वाली अभियान के बारे में बताने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पुलिस सुरक्षा का विश्वास दिलाने का काम भी रैली के माध्यम से किया जा रहा है। सशक्तिकरण रैली जो महिला बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश का है, उसके अंतर्गत ये पूरे उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें विभिन्न जनपदों से दो रैलियां अलग अलग दिशाओं से गुजर रही है। कानपुर नगर में ये दोनों रैलियां इकट्ठा हो गई थी और यहीं से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा दी गई है। ये रैलियां अपने मार्ग में नारी सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वचनबद्धता है उसको दोहराएगी, इनका प्रचार प्रसार कराएगी और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सभी महिलाओं और बच्चियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा देने में के लिए कटिबद्ध है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।